सारे पैसे मैंने संध्या के लिए कमाए हैं, वो न रही तो इसका मैं क्या करूंगा? ये सब मैं आपके आश्रम को दान कर देता हूँ। बाबा कुछ कीजिए, संध्या को बचा लीजिए। संध्या को बचाने का केवल एक ही मार्ग है, मगर वो मार्ग बहुत ही कठिन है। संध्या को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बोलिए बाबा। उन दोनों का आमना सामना हुए 24 घंटे हुए हैं। आज सूर्यास्त होने से पहले संध्या जैसी दिखने वाली लड़की मर जाए तो संध्या बच जाएगी। मैंने उनके बारे में पता लगाया, वो लोग टूरिस्ट थे, शहर में अभी अभी आए थे और जुबिली गेस्ट हाउस में ठहरे थे। क्या बात है बेटा? आओ ना माँ। बताओ ना, ये क्या है? इसे टच करो। माँ, थैंक यू डियर। कौन हो तुम? नित्या, हटो अंकल, हटो, ये खराब हो जाएगा, हटो अंकल, हटो ना प्लीज। माँ, ए छोड़ो उसे, नित्या, ए छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो अंकल, मुझे छोड़ दो अंकल, छोड़ दो ना अंकल, प्लीज छोड़ दो ना।
महत्वपूर्ण बात, तुम और संध्या ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। ठीक है बाबा। संध्या। दादी। सुरेंद्र ने अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरी लड़की की हत्या कर दी। अपनी सारी प्रॉपर्टी आश्रम को देकर वो शहर छोड़कर जा रहा था, तभी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। संध्या अनाथ आश्रम में बड़ी हुई। उस वक्त आपने संध्या को बचा लिया था, फिर इस बार भी बचा लीजिए ना। मैंने नित्या की आत्मा को शहर के बाहर खुले मैदान में कैद कर रखा था, पर 15 साल बाद वो हिस्सा शहर में बदल गया है। नित्या की समाधि पर उन्होंने घर बना दिया। ये 13L वही घर है जहां तुम रहते हो। तुम संध्या को वहीं ले आए जहां नित्या की आत्मा को मैंने कैद किया है। तो अब जो संध्या है वो? शरीर संध्या का है पर आत्मा नित्या की। घर में प्रवेश करने के बाद क्या संध्या एक बार भी घर से बाहर निकली है? चलो मूड को अच्छा करते हैं, चलो रेडी हो जाओ। हे हे संध्या, तुम्हें तो ये घर छोड़ना था, अब नहीं छोड़ना। तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। मैं इस घर से बाहर तो जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, कभी नहीं। मैंने नित्या की आत्मा को चारों तरफ से कैद किया था, वो उस बंधन को तोड़कर बाहर नहीं आ सकती। लेकिन उस घर में मौजूद पंच महाभूत नित्या के वश में है, उसकी मदद के सिवा संध्या को बचाना संभव नहीं। बाबा कुछ कीजिए ना बाबा। ओम नमः शिवाय। अग्नि पंच महाभूतों का मूल आधार है। इस सृष्टि की सबसे पवित्र वस्तु, समस्त विश्व का नाश कर सके इतनी शक्ति है उसमें। हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाने वाला देवदूत, साक्षात ईश्वर का दूसरा रूप। अगर हम नित्या को अग्नि में समर्पित करते हैं तो वो संध्या को छोड़ देगी, लेकिन मुझे ऐसा कोई शक्तिशाली पुरुष नहीं दिखाई देता जो अग्नि को नित्या के पास ले जाए। इस पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो संध्या को बचा सके। अब तक तो संध्या मर चुकी होगी। नहीं बाबा, संध्या अभी भी जिंदा है। संध्या, मैं तुम्हारी संध्या नहीं हूँ, नित्या हूँ। तुमने मुझे इसलिए कैद नहीं किया ताकि तुम संध्या को बचा सको, बल्कि तुम धन के लालची हो गए थे, इसलिए मुझे कैद किया। इस डर से कैद किया ताकि मैं तुम्हें मार ना सकूं। 15 सालों से इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं एक दिन तुम्हारा वध कर सकूं। मुझे पता चल चुका था कि तुम यहाँ आ चुके हो। जिस वक्त तुमने इस शहर में कदम रखा, उसी वक्त मैंने संध्या के शरीर में प्रवेश कर लिया। जो अपराध तुमने किया है उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तूने संध्या के शरीर में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन तू मेरा बंधन तोड़ नहीं सकती, तो तू मुझे मारेगी कैसे? जानती हूँ मैं तुम तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा। जानते हो तुम्हें कौन मारने वाला है? संध्या का पति, वही है, वही तुम्हारी जान लेगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बाबा को बिल्कुल नहीं मारने वाला। तुम मारोगे। मैं नहीं मारूंगा। नहीं। संध्या को बचाना है तो तुम्हें इसे मारना होगा। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो। संध्या की जान प्यारी है या नहीं? बाबा, बाबा। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो संध्या मरेगी। मैं नहीं मार सकता।
मेरी बात सुनो, संध्या को कुछ मत करना, प्लीज, संध्या को कुछ मत करना। अगर तुमने उसे अभी नहीं मारा, तो संध्या अपनी जान गवा देगी। नो, संध्या को कुछ मत करना, प्लीज। संध्या को मार डालूंगी। नहीं, रुको, मारो। नहीं, क्या, प्लीज मारो। ओके, मारो, मार डालो उसे। नित्या, देखो अब बाबा मर चुके हैं, संध्या को छोड़ दो प्लीज। जिन्होंने मेरी जान ली उनमें से दो लोग अभी भी जिंदा हैं। तुम्हें उन दोनों को भी मारना होगा। प्लीज नित्या, प्लीज संध्या को जाने दो, प्लीज प्लीज नित्या। मारो, प्लीज नित्या, मेरी संध्या को छोड़ दो प्लीज। ना, मैं संध्या को मार डालूंगी। रुको, मैं मारता हूँ। मारो। ठीक है, वो कौन है बताओ। इन दोनों को मार डालो, जाओ मारो। उन दोनों के मरने के बाद मैं संध्या को छोड़ दूंगी। संध्या, तुम बहुत नसीब वाली हो। तुम्हारे पापा ने मेरी जान ली तुम्हारी जान बचाने के लिए। बाबा ने तुम्हारे पैसों के लिए मुझे बंदी बना दिया, और अब तुम्हारा पति तुम्हारी जान बचाने के लिए उनकी जान लेगा जिन्होंने मेरी जान ली। लेकिन उसे ये नहीं पता, उनके मरने के बाद मैं तुम्हें भी मार डालूंगी।